तो एक तरफ जहां राहुल गांधी ने वैक्सीन की रणनीति पर पीएम मोदी को घेरा, तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी को कोरोना महामारी को लेकर विपक्ष से चर्चा न करने का आरोप लगाते हुए उन्हें जमकर कोसा। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया, सरकार दुबई में आईएसआई से बात कर सकती है लेकिन विपक्ष से बात करने का उनके पास वक्त नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर जनतंत्र टीवी ने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल से की खास बातचीत। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए। कोरोना संक्रमण ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया है। इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल जी, इनसे बात करते हैं। पीएम के संबोधन के बाद विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या अब केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रही? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभा भी रही है। और जिस तरह से एक के बाद एक हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले जो है हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सबसे पहले उनका नंबर आया वैक्सीनेशन का, और उसके बाद 65 साल से ज़्यादा की उम्र के, फिर 45 से ऊपर की उम्र के, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 मई से 18 से लेकर उससे ऊपर की उम्र के जो भी हमारे नागरिक हैं उन सबको वैक्सीनेशन लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से केंद्र जो है अपना पूरा जिम्मेवारी को निभा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये तो विपक्षी दलों को कुछ ना कुछ तो कहना है। उन्होंने तो वैक्सीनेशन के ऊपर भी आपने देखा कि पहले कटाक्ष किया कि ये तो भाजपा की वैक्सीनेशन है, आप बिल्कुल वैक्सीनेशन मत करवाइए, और वैक्सीनेशन से लगवाते ही आपको पता नहीं क्या होने वाला है। आज ये देखिए बिल्कुल एकदम से 360 डिग्री एंगल पर चेंज हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दल जो है वो उनको कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं कुछ ना कुछ कह के। इसके अलावा राहुल गांधी ने वैक्सीन को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति नोटबंदी की तरह है, आम जनता लाइनों में लगेगी, उनके धन और स्वास्थ्य का नुकसान होगा लेकिन फायदा कुछ उद्योगपतियों को होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी हमारे जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, और इसके अलावा अगर किसी को ये है कि मुझे जल्दी लगवाना है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर उसमें लगवा सकता है, और उसके लिए भी जो निर्धारित उसका जो मूल्य किया गया है अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली दूसरे देशों के मुकाबले में वो बहुत कम है। प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि दुबई में आईएसआई से बात करने का वक्त है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन देश में विपक्षी दलों से बात नहीं करते, अगर बात करते तो कोरोना को लेकर सकारात्मक कुछ विचार देते। देखिए, ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी समय समय पर जो है विपक्षी दलों से भी और सभी जितने भी हमारे देश के अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, उन सब से वो समय समय पर बात करते रहते हैं, उनके इनपुट्स भी लेते रहते हैं, और उसके अलावा सरकार की क्या नीति है उसके बारे में भी अवगत कराते रहते हैं। मैं फिर से यही बात कहूंगी कि विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना, तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं वो ऊटपटांग बात कर, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा संजीदगी के साथ संवेदना के साथ जो है वो कोरोना की लड़ाई की महामारी की जो लड़ाई है हमारी सबकी, तो पूरे देशवासियों को उसमें समय समय पर जो है वो बताते रहते हैं कि आप सब लोगों को किस तरह से हमें बार बार हाथों को धोना चाहिए और हमें जो है डिस्टेंसिंग भी रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए बार बार प्रोत्साहित करते हैं कि हमें वैक्सीनेशन जरूर करानी चाहिए। आखिरी सवाल, विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पहली लहर से केंद्र सरकार ने कुछ सबक नहीं लिया, क्या आपको लगता है कि पहली लहर से सीखा नहीं कुछ? देखिए, ऐसे कि पहली लहर से बिल्कुल सीखा है, लेकिन क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है वो इतना विशाल देश है कि हम कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो इसका स्प्रेड बहुत तेज गति से हो रहा है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे सुनीता दुग्गल जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सभी विपक्षी दलों को इस वक्त राजनीति नहीं बल्कि मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण की जो महामारी है इससे देश निजात पाए। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।